नमस्कार हमारे भावी शिक्षकों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन स्क्रीन पाठशाला पर DL Ed का कोर्स कराया जा रहा है, तो इससे पहले दो सब्जेक्ट पहला पहला यूनिट जो है पढ़ा दिया गया है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी भाषा शिक्षण, या फिर आपने इसको हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी भी कह सकते हो। आप इंग्लिश में इसको हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हिंदी जो भाषा है ना, पर्टिकुलर भाषा के ऊपर जो हम अध्ययन करते हैं या फिर अध्यापन करते हैं कि वो भाषा क्या है, क्योंकि कल को क्या करना है, हमें आगे बच्चों को पढ़ाना है, दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, वो भी हिंदी। तो जब तक हमें हिंदी का ज्ञान नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उन्हें हिंदी पढ़ाएं, ठीक है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है DL Ed में रखा गया है, DL Ed के कोर्स में रखा गया है। और एक बात, इस वाले विषय से CTET में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये DL Ed का कोर्स तो है ही, लेकिन साथ में CTET के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे पहली क्लास से ये हिंदी भाषा शिक्षण की, हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है। तो इसकी जो पहली इकाई है या फिर पहला अध्याय कह लीजिए, उसका नाम है भाषा की प्रकृति, साधन और साध्य। अब आपके सामने दो टर्म आ चुके हैं, साधन और एक शब्द है साध्य। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये दोनों शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन जब आप ये लेक्चर पूरा ले लेंगे ना, आपके माइंड के अंदर पूरा सेट हो जाएगा कि ये साधन क्या है और साध्य क्या है। इसके अलावा भाषा की प्रकृति, तो भाषा की प्रकृति, जब भी हम प्रकृति या नेचर की बात करते हैं तो हम उसके बारे में सारी डिटेल हासिल करते हैं, चाहे वो उसका अर्थ हो, परिभाषा हो, या अदर लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है। तो वही पैटर्न है यहाँ पे कि भाषा की प्रकृति, जिसके अंदर हम भाषा का अर्थ, परिभाषा, लोगों ने क्या परिभाषाएँ दी हैं, इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम मैंने बता दिया, अध्याय का नाम मैंने बता दिया, जिसका सबसे पहला जो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति में, वो है भाषा का अर्थ। जब भी हम कोई शब्द पढ़ते हैं ना, तो हमें उसकी डेफिनेशन अपने आप माइंड में आ जाती है, अगर हम उस शब्द को समझते हैं। भाषा कोई नई चीज़ तो नहीं है, हम बचपन से ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना भाई, पैदा हो रहे हैं जब से ही बोल रहे हैं, है ना। अब देखते हैं कि क्या है, आखिर ये आया कहाँ से, कैसे बोलने लगे, क्यों जानवर क्यों नहीं बोलते, फिर जानवरों की भी तो भाषा होनी चाहिए ना, मतलब हम ही क्यों बोल रहे हैं। तो ये सारे जितने भी डाउट हैं ना, अब भी आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता वह है भाषा। अब आप कहेंगे कि संप्रेषण क्या होता है भाई, तो संप्रेषण का अर्थ भी बता देती हूँ कि संप्रेषण यानी अपने विचार व भावों को दूसरों तक पहुँचाना। जब हम अपने विचार या भाव, यानी मेरे मन में कोई बात आ रही है, मैं किसी और को कहना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ, तो जो मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग करूँगी वो क्या होगी, भाषा। मैं क्यों, आप लोग भी करेंगे, वो भाषा ही होगी। अब जो सबसे अधिक क्यों कहा गया है भाई, क्योंकि ये होना चाहिए ना कि सिर्फ भाषा ही मात्र माध्यम है, नहीं, हम इशारा करके भी समझा सकते हैं। पहले बहुत पहले टाइम में इशारा ही तो करके समझाया जाता था, तो इशारा करना भी तो एक तरह का साधन हुआ। लेकिन सबसे अधिक, यहाँ पे लाइन आई है, सबसे अधिक जिस माध्यम का प्रयोग होता है वह है भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा जो है वो भाष धातु से बना है, यानी पहले भाष शब्द लिया गया है, फिर उसमें अ की मात्रा जोड़कर भाषा बनाया गया है। तो भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना, बोलना। जब भाष का अर्थ ही बोलना हुआ, तो भाषा क्या बोलने से अलग होगी, नहीं। तो भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक है। सबसे पहले ये तो नहीं हुआ ना कि भाषा आई और हमने लिखना चालू कर दिया, ना। सबसे पहले भाषा का जो मूल रूप है, जहाँ से वो शुरू हुई है, वो है बोलना, मौखिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मौखिक भाषा का आविष्कार तो हो गया, आगे क्या हुआ कि हमें लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे हुआ इसका आविष्कार। तो दूर के संप्रेषण के लिए हमें लिखित भाषा का आविष्कार करना पड़ा। अब आप यहाँ हैं, आपकी मम्मी कहीं दूर हैं, तो आप कितना भी ज़ोर से चिल्लाएंगी तो उन तक आवाज़ नहीं जाएगी, तो वो बहुत दूर हैं आपसे, किसी और सिटी में हैं। तो हमें किसी ऐसी साधन की ज़रूरत थी जिससे हम वहाँ तक भी अपनी भाषा या बात को पहुँचा सके, इसलिए हमने किसका आविष्कार किया, लिखित भाषा का।
तो सबसे पहले आया मौखिक भाषा और उसके बाद लिखित भाषा। इसीलिए मौखिक भाषा को मूल रूप कहा जाता है और लिखित भाषा को प्रतिरूप। ये मौखिक का ही तो प्रतिरूप है। मान लो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, तो मैं उसी चीज़ को तो लिखूंगी ना। तो पहले मन में बोलूंगी या तुमसे बोलूंगी, उसके बाद लिखूंगी, ठीक है? तो ये लिखित और मौखिक दोनों भाषाएं आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा का अर्थ समझ लिया, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब आप DLED का कोर्स करते हैं ना, तो इस कोर्स के अंदर जब आप एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे या इंटरनल्स भी करेंगे, तो परिभाषाओं में ना आपको क्या है कि बड़े बड़े व्यक्तियों के कोट्स लिखने पड़ते हैं कि उन्होंने सटीक क्या बोला है भाषा के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में क्या परिभाषा दी है। तो यहाँ पे दो तरह के विद्वान हैं। क्यों, अभी दो विद्वान क्यों आए हैं, भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान? क्योंकि भाषा सिर्फ भारत में ही तो नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड में भाषा है, पूरी दुनिया की कोई ना कोई भाषा है। तो हर देश के लोगों ने, भाई महान लोगों ने कुछ ना कुछ परिभाषा दी होगी, तो इसलिए हमें दोनों को ही पढ़ना ज़रूरी होता है। तो सब एक काम करते हैं, हम दोनों को ही पढ़ लेते हैं, है ना? तो भारतीय विद्वानों में महर्षि पतंजलि हुआ करते थे एक बार, उन्होंने क्या कहा कि भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है। ठीक है, जब आप किसी भी महान व्यक्ति का या लेखक का कोट लिखते हैं एज इट इज़, तो उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये लाइन सेम की सेम आपको लिखनी होगी। दूसरे हमारे रहे हैं बहुत ही भारतीय विद्वान, दंडी नाम के ये संत हुआ करते थे या सन्यासी हुआ करते थे, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा है भाषा के बारे में कि यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार दीप्त नहीं होता, तो ये संसार अंधकारमय होता। यानी वो भाषा को क्या मानते हैं कि रोशनी है वो, जिसने इस संसार को उजाला दिया है, सवेरा दिया है। आगे पाश्चात्य विद्वानों की बात करें, तो हमारे पाश्चात्य विद्वान हुए हैं स्वीट नाम के, जिन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। एक और हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं क्रॉन्च, उनके अनुसार क्या है कि भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। आगे बढ़ते हैं भाषा की प्रकृति, नेचर। भाषा का नेचर क्या है भाई? जैसे हम लोगों का नेचर होता है, वैसे ही तो भाषा का भी प्रकृति है कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, एक तरह से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाषा का जो स्वरूप है या नेचर है, वो अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। सबकी भाषा सेम तो नहीं है, यहाँ तक कि देखो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा है, लेकिन देश के अंदर भी आ जाओ ना, तो जगह जगह जाने पे भाषा क्या हो जाती है, बदलती रहती है। इसका नेचर है बदलना। दूसरी बात कि खड़ी बोली को ही सही अर्थों में भाषा का नाम दिया जा सकता है। देखिए, दिया जा सकता है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि खड़ी बोली ही भाषा है, लेकिन नाम दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से शब्दों को यूज़ करते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, तो वो भी तो भाषा ही हुई ना। अगली बात कि भाषा ने मनुष्य को सभ्य बनाया है। बिल्कुल ठीक, अगर भाषा ना होती तो क्या हम भी जानवर से अलग थोड़े ना होते? जैसे जानवरों की अपनी अपनी आवाज़ें हैं, भों भों करना या आवाज़ें निकालना तरह तरह की, तो हम भी इसी तरीके से निकालते। तो भाषा ही नहीं तो सब कुछ दिया, अगर भाषा ही नहीं होती तो शिक्षा कहाँ से अर्जन करते बताओ, और शिक्षा अर्जित ना करते तो सभ्य कैसे बनते, कैसे ज्ञान आता, है ना? चलिए, अब भाषा की प्रकृति, ये तीन बातें मैंने बता दी, लेकिन पॉइंट वाइज समझा देती हूँ एक बार कि इसके पॉइंट्स क्या है, क्योंकि जब 5 और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना होता है, इवन पॉइंट्स को खोलने भी होते हैं, ठीक है? पहला है सार्थक ध्वनि और प्रतीकों की व्यवस्था। जो भाषा का नेचर है उसमें क्या होना चाहिए, सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, यानी आवाज़ होनी चाहिए, और प्रतीकों की व्यवस्था भी होनी चाहिए उसमें। जगह जगह पे हमें कॉमा लगाना है, मात्राएं लगानी हैं, या कहीं रुकना है, विराम देना है। ये थोड़ी ना है भाषा की बोलते ही चले जाओ, बोलते ही चले जाओ, और जब अगले को समझ ही नहीं आएगा तो फिर भाषा का होना और ना होना बराबर है। अगली बात, अभिव्यक्ति से संबंध। अभिव्यक्ति यानी जो हमारा मन का भाव है, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो उस भाषा में मेरे पास वो शब्द होना चाहिए कि मैं वो कह सकूँ, तभी भाषा जो है सार्थक होगी। सीखने के लिए प्रयास की आवश्यकता। अब क्या होता है कि हमें कुछ सीखना है, चाहे भाषा हो या कुछ भी, कोई भी चीज़ ले लो, आपको सीखनी है तो प्रयास की आवश्यकता होती है, यानी प्रैक्टिस करना होता है, कोशिश करनी होती है। तो भाषा को भी सीखने के लिए कोशिश की आवश्यकता होती है।
परंपरा से संबंध। अब देखिए, भाषा का एक नेचर ये भी है कि ये परंपरा से संबंधित होती है। परंपरा यानी हमारा पुराना टाइम जो लगातार आता जा रहा है और धीरे धीरे बदलता भी जा रहा है, तो भाषा की एक विशेषता ये भी है। आगे है भाषा और भौगोलिक सीमाएं। हाँ जी, भाषा और भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाएं यानी ज्योग्राफिकल जो स्टेटस होता है, यानी जगह जगह अलग अलग जगहों की बात हो रही है। मान लो पहाड़ों पे कोई रहता है तो कोई पहाड़ों के नीचे रहता है, तो दोनों की भाषाओं में भी अंतर आ जाता है। अगली बात, प्रत्येक भाषा की संरचना में विभिन्नता। हाँ जी, जितनी भी भाषा है ना और उनकी जो संरचना है उसमें क्या होती है, विभिन्नता होती है, यानी डिफरेंसेस होते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि जो हिंदी भाषा है उसकी संरचना क्या है, कैठ है व्यर्घ है, है ना। और जो और हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसकी संरचना कहाँ से शुरू होती है, ए बी सी डी से होती है ना। ऐसी चाइनीज की भी होती है, मतलब हर भाषा की अलग अलग संरचना होती है। उसके बाद भाषा और संस्कृति, बिल्कुल, क्योंकि जो भाषा है उसी से हमें अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होता है। आज हमारे पास भाषा है तभी तो हम अपने पुराने संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत भाषा ना होती तो क्या संस्कृत के ग्रंथ पढ़े जाते, तो हमें हमारी संस्कृति के बारे में कैसे पता चलता। भाषा के विविध रूप, आखिरी पॉइंट और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाषा क्या होते हैं, विविध रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। अब ये कितने रूप हैं ये सारे मैंने नीचे लिखे हैं, वो एक एक करके आपको समझाऊंगी। एक होता है मूल भाषा। मूल, जैसे मैंने बताया कि जो भाषा है उसका मूल रूप क्या है, मौखिक, यानी मुँह से बोलना। तो जो भाषा, एक भाषा होती है मूल भाषा, यानी जो हमें मिल हमारी मूलतः भाषा हो। मान लो मैं कहीं भी पैदा हुई हूँ तो फिर मैं वही बोलती हूँ, लेकिन एंड में मैं कहीं और जाके शिफ्ट हो गई, कहीं और किसी और भाषा को मैंने अपना लिया, लेकिन मेरी जो मूल भाषा है ना वो वही रहेगी जो पहले थी। तो मूल भाषा जो है वो बदलती नहीं है। आगे चलते हैं, मातृभाषा क्या होता है। मातृभाषा, देखो, जब माता बच्चे के साथ तथा बच्चा माता व परिवार के साथ जिस भाषा में बातचीत करता है ना, यानी जो आप अपनी फैमिली में भाषा यूज़ करते हो, आपके जो दादा परदादा जो भाषा यूज़ करते हैं वो आपकी होती है मातृभाषा। चलिए आगे है प्रादेशिक भाषा। ये प्रादेशिक भाषा, ये सारे भाषा के विविध रूप हैं, इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो किसी भी विशेष प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, मान लो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पे वो भाषा चेंज हो जाएगी, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रादेशिक भाषा। उसके बाद आती है हमारी राजभाषा। किसी भी देश व प्रदेश में जो सरकारी कामकाज चलाने के लिए जो वैधानिक भाषा होती है वो क्या होती है, राजभाषा। जैसे हमारी हिंदी है, हमारे देश में हिंदी भाषा मान्य है, आप हिंदी में कुछ लिखते हैं और देते हैं सरकारी जगहों पर तो वो आपका कोई भी जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आती है सांस्कृतिक भाषा, जिसमें हमारी संस्कृतियाँ हुई हों, जिससे हमारी जिस संस्कृति से हमारी जुड़ी हुए हैं हम लोग, उस संस्कृति की क्या भाषा रही है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, सांस्कृतिक भाषा। तो ये हमारी संस्कृत हो सकती है। आगे आता है राष्ट्रभाषा। ये बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है, जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासन कार्य चलाया जाता है वो क्या होती है, हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। वैसे हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि जो भारत है वो बहुत ही ज़्यादा भाषाओं वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, नेक्स्ट, जिस भाषा में संसार के अधिकतर देश एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, वो क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारी अंग्रेजी हो सकती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है और उसमें क्या है, अंग्रेजी ही तो है। तो अंग्रेजी में मोस्ट, यहाँ पे बोला अधिकतर मैं बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर एक देश इंग्लिश में ही कॉन्वर्सेशन करे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर करेंगे। उसके बाद आती है विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषा क्या होती है कि जो मान लो हमें देश के वासी हैं, वहाँ की भाषा कुछ और है, तो हमारे लिए किसी और देश की जो भाषा होगी वो विदेशी हो जाएगी। तो ये सबके लिए अलग अलग है। अब मान लो कोई अमेरिका में रहता है तो उनके लिए हमारे देश की भाषा विदेशी हो जाएगी, अलग हो जाएगी ना। तो ये है हमारे भाषा के विविध रूप। चले तो भाषा की प्रकृति तो ख़त्म हुई, अब आते हैं भाषा साधन और साध्य के रूप में। ये बहुत ही इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये दो शब्द समझ में आ गए तो बस समझो आपका पूरा चैप्टर आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। बात करते हैं भाषा के साधन और साध्य क्या होता है।
इससे पहले कि हम साधन और साध्य को पढ़ें, मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगी जो इस नोट्स में हैं। भाषा के पाठों में भाषाई तत्व साध्य हैं तथा विषय वस्तु आदि अन्य पक्ष साधन हैं। जब हम भाषा के पाठ पढ़ते हैं ना, जैसा कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, भाषा से रिलेटेड पार्ट, यानी मान लो कोई चैप्टर ही आपका भाषा का है, तो वहाँ पे जो भाषाई तत्व होंगे, जिसमें भाषा से जुड़े हुए तत्व होंगे, वो क्या होते हैं? साध्य। यानी हम हिंदी भाषा को मेन लेके चलेंगे, हिंदी भाषा को पढ़ेंगे कि हाँ भी इसमें ग्रामर ठीक है या नहीं, अलंकार ठीक है या नहीं, हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाएगा। और विषय वस्तु क्या हो जाएगी? पक्ष साधन। हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, टॉपिक क्या है, वो बाद की बात है, लेकिन जो हमारे लिए व्याकरण और हिंदी से जुड़ा हुआ जो भी भाषा से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी ना, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी जब हम भाषा साध्य को पढ़ते हैं। आगे जब हम भाषा को पढ़ाते हैं तो उसके तत्वों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। जब हम भाषा को ही पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे ना, तो उसके तत्वों को समझना ज़रूरी है, और यहाँ पर क्या हो जाती है? भाषा साध्य हो जाती है। मैंने बता दिया, जब हम भाषा को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं, सिर्फ भाषा का अध्ययन करते हैं, तो भाषा क्या होती है? साध्य होती है। लेकिन भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को पढ़ना या पढ़ाना क्या कहलाता है? साधन। जब हम मान लो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी में ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मैं हिंदी में भूगोल पढ़ा रही हूँ कि इतने मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल होते हैं, समताप मंडल होते हैं, तो वहाँ पर मेरे लिए क्या हो जाएगा? भाषा साधन है। मैं हिंदी भाषा का उपयोग कर रही हूँ भूगोल को समझाने के लिए, जबकि भूगोल तो अलग ही है। मैं वहाँ पे मात्राओं पे इतना जोर नहीं दूंगी, मैं वहाँ पे अलंकार पे जोर नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाएगा? वहाँ पे भूगोल को पढ़ाना। तो वहाँ पे भाषा मेरे लिए क्या है? साधन। लेकिन जब मैं भाषा पढ़ाऊँगी तो मैं वहाँ पे व्याकरण पे भी ध्यान दूंगी, अलंकारों पे भी ध्यान दूंगी, समास पे भी ध्यान दूंगी, हर एक चीज़ पे ध्यान दूंगी जो भाषा से जुड़ी होगी, और वो क्या कहलाएगा? भाषा साध्य। आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक। अगर अभी भी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जब हम भाषा को साधन के रूप में पढ़ते हैं तो निम्नलिखित विचारों को पढ़ते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इन विचारों को। भाषा साधन के रूप में, देख लो, साधन यानी हम भाषा को क्या कर रहे हैं? साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ और जो हमारी विषय वस्तु है, चाहे वो भूगोल हो या हिस्ट्री हो, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान का साधन, जब हम भाषा को साधन के रूप में प्रयोग करेंगे तो साधन क्या है हमारे लिए? भाषा। हम अपने विचारों को आदान और प्रदान करते हैं। समाज के पारस्परिक व्यवहार का साधन है ना, समाज में जो पारस्परिक व्यवहार है, जो बहुत ही एक दूसरे ये जो व्यवहार करते हैं हम, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, या सभा होती है समाज में, कैसे भी संगठन होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, तो जो भाषा है वो साधन के रूप में काम करती है। वहाँ पे हम भाषा के तत्वों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जीवन के सभी व्यापार और व्यवहारों का साधन, हमारा जीवन ही भाषा से जुड़ा हुआ है, चाहे हम कोई भी व्यापार करते हों, व्यवसाय करते हों। ज्ञान वर्धन का साधन, भाषा से ही हमें क्या है? ज्ञान मिलता है। क्या हम किताबें पढ़ते हैं अच्छे अच्छे जिसमें ज्ञान होता है, हम स्कूल जाते हैं। आगे है विभिन्न विषयों के अध्ययन और अध्यापन का साधन, कि जितने भी हमारे पास विषय होते हैं, हिंदी को छोड़ दो तो, चाहे वो मैथ हो, हाँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, भूगोल हो, और पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, हमें भाषा चाहिए ही चाहिए उस विषय को पढ़ने के लिए। संस्कृति से परिचित कराने का साधन, हमें हमारी संस्कृति से भी परिचित कराता है भाषा। जीविकोपार्जन का साधन, हम अपनी जीविका चलाते हैं, अगर भाषा नहीं होती तो कोई भी काम कैसे चलता, बताओ। मान लो किसी को नौकरी देनी है किसी चीज़ की, हम बात ही नहीं कर पाते, हम कैसे बोलते कि हम ये नौकरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे नैतिक व चारित्रिक विकास का साधन, भाषा से क्या होती है? नैतिकता और चरित्र निर्माण भी होता है। कोई, आप पता है, जब कोई बोलता है ना, कहते हैं ना कि मुंह खुलते ही इंसान का पता चल जाता है, तो जब हम बोलते हैं तो हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा चरित्र पता चल जाता है कि हम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद मानसिक और बौद्धिक विकास, हाँ जी, अगर भाषा है तो हम बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, इससे हमारी क्या होगी? मेंटालिटी खुलेगी, नए नए विचार हमारे माइंड में आएंगे। भावात्मक विकास का साधन, अब क्या होगा? क्योंकि हमारे पास साधन है तो हम अपने भावों को भी व्यक्त कर पाएंगे, तो हमारे जो होता है ना, भाव का भी विकास होता है, भावात्मक विकास भी होता है। उसके बाद सृजनात्मक विकसित करने का साधन, हम सृजनात्मक भी बनते हैं भाषा से। क्या होता है, हम पहले कविताएं पढ़ते हैं, फिर खुद भी कविताएं लिखने लग जाते हैं, सृजन करने लग जाते हैं, है ना।
उसके बाद स्वस्थ मनोरंजन का साधन। जी हाँ बिल्कुल सही, भाषा जो है मनोरंजन का भी साधन है। मान लो आपके पास खाली टाइम है तो कुछ गलत काम करने की बजाय अगर हम किताबों को, उपन्यासों को, कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, मनोरंजन भी होता है, उसमें हास्य व्यंग भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। और समय के सदुपयोग का साधन, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। समय का सदुपयोग, अगर हमारे पास समय है, बहुत समय खाली पड़ा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम उस समय किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब हम टाइम का यूज़ कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये था भाषा साधन के रूप में, कि जब भाषा जो है हमारे लिए माध्यम है, मीडियम है, साधन है, भाषा से हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे भाषा साध्य के रूप में। अब हम भाषा को पढ़ेंगे भाई, साध्य मतलब भाषा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, अब उन पे ध्यान देना है हमें, अब हमें अलग चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाषा साध्य के रूप में पढ़ाते हुए महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो सारे नीचे लिखे हुए पॉइंट्स हैं, जब हम भाषा साध्य को पढ़ाते हैं तो हमें इन पर ध्यान देना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ध्वनि, वर्ण, लिपि, शब्द, पद, उच्चारण, वर्तनी आदि का ज्ञान कराना। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, और हिंदी पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। तभी तो हिंदी व्याकरण लगी हुई है भैया NCERT में, क्यों लगी हुई है, इसीलिए तो, ताकि भाषा का ज्ञान हो सके। और वहाँ पे भाषा कैसी है, भाषा साध्य है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकरादि, मतलब शब्दों से परिचित रहना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य, उसके भेद, पद्य, गद्य, वाच्य, काल, जितना भी हमारा हिंदी भाषा का व्याकरण है ना, आप ये समझ लो आपको इसमें ये सारा कुछ लिखना है, क्योंकि हम पढ़ा ही भाषा के बारे में रहे हैं, हम भाषा को साध्य के रूप में पढ़ा रहे हैं ना, तो भाषा के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी। उसके बाद देखो, साहित्य के विधाओं का ज्ञान होना चाहिए, पाठ के विषय वस्तु का ज्ञान, भाषा शैलियों का ज्ञान, औपचारिक अनौपचारिक भाषा क्या होती है, मुहावरे लोकोक्तियों का परिचय, व्याकरण के नियमों का ज्ञान। अगर कुल मिला के कहूँ तो हिंदी व्याकरण में जितनी भी चीज़ें हैं ना, बेस से लेके स्टैंडर्ड तक, वो सारा इस पॉइंट के अंदर आएगा, भाषा साध्य के अंदर आएगा। इसीलिए हमारी जो NCERT 6th to 10th में जितना भी हमारा व्याकरण है ना हिंदी का, आप उन सारे टॉपिक्स को यहाँ भाषा साध्य में लिख सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो ये था हमारा भाषा साधन और भाषा साध्य और भाषा की प्रकृति और अर्थ। आई होप कि आपको जो है भाषा, हिंदी भाषा और जो ये चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और पढ़ते रहिए,